जैसे ए प्लस बी, ये ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए प्लस सी, तो आप क्या लिखोगे, ये ए उधर जाएगा माइनस ए कैंसल होके नल मैट्रिक्स आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी इक्वल टू सी। ये लेफ्ट से ए से कैंसिल हुआ लेफ्ट में, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। एंड बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, तो ये ए से ए राइट में कैंसिल हो रहा है, इसलिए यहाँ भी बी इक्वल टू सी आएगा, दिस इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ समझ में आएगा सभी को? कैंसिलेशन लॉ समझ में आया है सभी को? यस सर, यस सर, कैंसिलेशन लॉ समझ में आया सभी को? यस सर, आ गया सर, आ गया। ठीक है भाई, देखो लेट आओगे तो रिपीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, कल हाँ सुने ध्यान से, कैंसिलेशन अपन ने हमने कल कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन पढ़ी थी, कौन कौन सी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और एडिटिव इनवर्स, उसमें एक छूट गई, एक बच गई थी फिफ्थ, वो लिख दी मैंने कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो तो ये ए उधर जाएगा माइनस ए हो जाएगा, ए माइनस ए नल मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स प्लस सी सी आ जाएगा, तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। लेफ्ट से कैंसिल हुआ इसलिए इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोल रहे हैं। हाँ बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, फिर ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बी इक्वल टू सी ही बचेगा, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है और ये राइट कैंसिलेशन लॉ है, और कोई डिफरेंस नहीं। बात समझ में आ गई क्या बेटा? कैंसिलेशन लॉ यस सभी को क्लियर हो गया? सर। सर कभी आगे पीछे मतलब एक तरफ ए प्लस बी होगा और एक तरफ सी प्लस, मतलब ए पहले होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ तो उसको हम पहले तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा के सेम बना लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे फिर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली यस बोले तो हो जाएगा। भाई ये ए प्लस सी लिखा होता तो इसको सी प्लस ए लिख ही सकते हैं ना, कम्यूटेटिव सर, प्रॉपर्टी, ठीक है। बिना लिखे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो हो हम गया आगे सर। बात कर रहे हैं। अब है अपना नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। नेक्स्ट कंसेप्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर, जैसे मैट्रिक्स ए है ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम वन, एंड लेमडा इज ए स्केलर, कोई भी स्केलर है, देन लेमडा इंटू ए, लेमडा स्केलर है ए मैट्रिक्स है, लेमडा का मल्टीप्लाई ए में करना है, तो हर एक एलिमेंट में लेमडा का मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता था, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता, पर मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता, राइट। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में स्केलर का मल्टीप्लाई होता, पर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में, जैसे ए दिया है आपको निकालना 3A, क्या निकालना है 3A, तो 3 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करोगे, 3 3 9, 3 2 -6, 3 1 3, 3 4 12, 3 5 15, 3 0 6, समझ में आया क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। डिटर्मिनेंट में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता था बेटा, डिटर्मिनेंट में कैसे होता था, या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता था किसी या किसी एक कॉलम में होता। ओके हो गया, समझ में आ गया? यस सर। अब हमें लिखना है प्रॉपर्टी सर, जो अगर इसमें से कॉमन, सर कॉमन भी हर एक इसमें एलिमेंट कॉमन में निकलेगा, हर एक सारे एलिमेंट्स में कॉमन होगा तो ही कॉमन निकल पाएगा। अरे ये भी प्रॉपर्टी, अरे और क्या, ये भी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई में जो प्रॉपर्टी वही कॉमन में होती,
मल्टीप्लीकेशन और कॉमन एक दूसरे का कन्वर्स तो है ही ना सर। अब इसमें से थ्री में से वापस थ्री कॉमन निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन सब में से निकालना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट में से थ्री कॉमन निकाल दो, जीरो में तो ये थ्री बाहर आ जाएगा और मैट्रिक्स से ये वाला आ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्ली, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, है ना। तो यहाँ प्रॉपर्टीज वर्ड और लगा दे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टी लिखना है, तो देखें टू मैट्रिसेस लिख लिए मैंने, ए आई जे एम बाय एन, मैट्रिक्स बी लिख लिया, बी भी लिख सकते हैं, बी आई जे वो भी एम बाय एन ऑर्डर पे है, दो मैट्रिक्स लिख लिए एंड लैम्डा म्यू आर स्केलर्स, स्केलर्स भी दो ले लिए। हाँ, तो प्रॉपर्टीज ध्यान से देखें, अगर लैम्डा का इंटू ए प्लस बी में है तो अलग अलग हो जाए, लैम्डा ए हो जाएगा प्लस लैम्डा बी हो जाए, लैम्डा का इंटू दोनों में हो जाए, अगर माइनस हो तो भी ऐसा हो। ठीक है, समझ में आई बात। अब अगर एक ही दो स्केलर है, लैम्डा प्लस म्यू, दो स्केलर और बाहर ए, तो ये ए मैट्रिक्स है तो लैम्डा ए प्लस म्यू ए हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस म्यू, लैम्डा इंटू म्यू ए है तो ये म्यू बाहर हो जाएगा, लैम्डा ए हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता म्यू इंटू लैम्डा बोथ का मल्टीप्लाई है, हर एक एलिमेंट में लैम्डा इंटू म्यू का मल्टीप्लाई, समझ में आया है। अगर स्केलर वन है और मैट्रिक्स वन, ये वन क्या बेटा स्केलर एक, उसमें मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा। ठीक है, फिफ्थ, माइनस वन का अगर मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए आ जाए। ठीक है, अगर स्केलर जीरो का मैट्रिक्स, ये जीरो स्केलर है बेटा, जीरो स्केलर मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स आएगा, आपका मैट्रिक्स ए था माइनस थ्री टू फाइव वन, आप जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट में जीरो का मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा नल मैट्रिक्स, समझ में आया क्या। ये जीरो स्केलर है, उसका मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, नल मैट्रिक्स हो। समझ में आया क्या? यस सर। प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं, हाँ बोलो सर, एक मिनट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, अब है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, या प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एक ही बात। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ध्यान से देखें, लेट ए एक मैट्रिक्स है
जिसका ऑर्डर है m बाय n, एंड d दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n बाय p. ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम बाय एन, दूसरा मैट्रिक्स है बी बी जे के जिसका ऑर्डर है एन बाई. देन मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी एग्जिस्ट, एंड जो नया मैट्रिक्स बनेगा सी, ए इंटू बी करने से नया मैट्रिक्स बनेगा सी, वेयर सी आई के, सी इक्वल टू सी आई के, मैट्रिक्स सी इक्वल टू सी आई के, जिसके एलिमेंट होंगे सी आई के, और उसका ऑर्डर होगा एम बाई पी. ध्यान से सुने, टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन तभी एग्जिस्ट होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल हो. फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होगा, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम होंगे. और यहां कौन सा मल्टीप्लीकेशन होता है, केवल जैसे डिटरमिनेंट में जब टू डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रो टू रो भी हो जाता है, कॉलम टू कॉलम भी हो जाता है, रो टू कॉलम भी हो जाता है, कॉलम टू कॉलम भी हो जाता है, कॉलम टू रो भी हो जाएगा. लेकिन मैट्रिक्स में एक ही मल्टीप्लीकेशन होता है, केवल रो टू कॉलम. फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए. अगर वो सेम नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं हो. अब एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स ए टू रो थ्री कॉलम, मैट्रिक्स बी जीरो कॉलम, मैट्रिक्स बी 2-5, 1-0-0, 3 रो. ठीक है बेटा, देखा आपने, ये मैट्रिक्स ए में 2 रो 3 कॉलम, मैट्रिक्स बी में 3 रोज 2 कॉलम. हाँ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेम है तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट हो जाएगा. जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 2/2 होगा. तो मैं नया मैट्रिक्स ए इंटू बी कर रहा हूं, ध्यान से देखें. -3, 0, 4, 6, -1, 2, a into b. (2-5, 1, 0, 0). देखें, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नया मैट्रिक्स 2/2 का बनेगा. देखें, हाँ, कैसे मल्टीप्लाई होता है, रो का कॉलम में, ध्यान दें, रो का कॉलम में करो मल्टीप्लाई. -3 × 2 = 6, -3 × 2 = -6, 0 × 1 = 0, 4 × 0 = 0. समझ में आया क्या, पहला एलिमेंट रो का कॉलम में -6 + 0 + 0, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में -3 × 5 + 15 + 0 + 4. ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई. सेकंड रो के लिए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 6 × 2 = 12, -1 + 0. सेकंड रो, सेकंड रो 6 × 5 = -30, 0 + 2. तो फाइनल आंसर -6, 15 × 4 = 19, 12 - 1 = 11, -30 + 2 - 28. समझ में आया क्या? यस सर. मल्टीप्लीकेशन समझ में आया? यस सर, आ गया सर. आ गया, नोट करो. अब b इंटू ए भी निकालूंगा. अभी a इंटू b निकाला. हाँ जयेंद्र, क्या चीज एक बार और, पहली रो पहली कॉलम में मल्टीप्लाई, ये लिखा -3 × -2 - 6 = 0 = 0, पहली रो का पहले कॉलम के एलिमेंट, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के एलिमेंट, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम. आंसर लिख दिया. ठीक है सर, रो टू कॉलम. ठीक है, अभी मैंने इस एग्जाम इतना नोट करो तो आगे बात करूंगा.
हो गया हाँ। अब अभी a इंटू बी निकाला, अब मैं b इंटू ए निकालता हूँ। इसी एग्जाम्पल में मुझे b इंटू ए निकालना है, तो b है मेरा 2 माइनस 5 1 0 0 1 और a है माइनस 3 0 4 6 माइनस 1 2 माइनस 3 0 4 6 माइनस 1 2 तो इसका ऑर्डर है 2-3 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम। हाँ तो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो सेम है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होगा और जो नया बनेगा वो 3/3 का बनेगा, 3/3 का है ना, तो लिखो या मत लिखो बनेगा तो 3/3। मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो का कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम, ध्यान से देखना मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पहली रो का पहले कॉलम माइनस 6 माइनस 30 लिख दूं, चलो लिख देता हूं पूरा लिख दूं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है माइनस 6 माइनस 30, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 0 प्लस 5 राइट, ये फर्स्ट, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 2 4 जा 8 माइनस 10 राइट। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम माइनस 3 प्लस 0, फिर सेकेंड कॉल रो सेकेंड कॉल 0 0, सेकेंड रो थर्ड कॉल 4 0 0 6, फिर 0 माइनस 1 0 2, फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम माइनस 36 5 माइनस 2 माइनस 3 0 4 6 माइनस 1 2। समझ में आया क्या, जो नया मैट्रिक्स बना उसका ऑर्डर 3/3। बेटा क्या समझाना, आप पहले तो मुझे ये बताओ खुशी, रो से रो का कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप, बी इंटू ए में क्या दिक्कत है आपको, पहली रो का पहले कॉलम में ये लिखा, पहली रो का दूसरे कॉलम में रो टू कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई किया ये लिखा, फिर सेकेंड रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई माइनस 3 0, फिर 0 0, फिर 4 0, फर्स्ट रो का सेकेंड रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर थर्ड रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई 0 6, फिर 0 माइनस 1, फिर 0 2 राइट, रो टू कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा ओके। हो गया कि सभी का रफ करूं, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड की नंबर ऑफ रो सेम हो तभी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट, ठीक है रफ करूं इसको, यस सर। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक If a equal 213, 3 minus 21, 213, 3 minus 21, minus 10 over b, matrix b, 1 minus 2,
वन माइनस टू टू वन फोर माइनस थ्री फाइंड ए बी एंड बी ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है। ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं ए बी और बी ए क्यों होंगे इक्वल? अभी पिछले क्वेश्चन में इक्वल आए क्या? नो सर। तो फिर नो सर कभी ऐसी कंडीशन दे रखी हुई थी। पहले जो बता रहा हूँ वो कंडीशन अभी आएगी, पहले जो दिया है करने को उसका आंसर तो बता दो। अभी बताता हूँ कंडीशन आएगी तो मैं बताऊंगा ही बेटा, जब कंडीशन बताने की जरूरत होगी तो बिल्कुल ही बताई जाएगी आपको कंडीशन, है ना। अभी ए बी और बी ए पे बात कर रहे हैं अपन, फिर प्रॉपर्टीज लिखेंगे अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, उसमें कंडीशन आएंगे। हो गया है ना, तो ए बी निकाल रहा हूं टू वन थ्री थ्री माइनस टू वन माइनस वन जीरो ए और बी वन माइनस टू टू वन फोर माइनस थ्री। ए का ऑर्डर थ्री बाई थ्री, बी का ऑर्डर थ्री बाई टू, तीन रो टू। हाँ तो ये और ये सेम है, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड की नंबर ऑफ रो सेम है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होगा। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी थ्री बाई टू होगा, और दो कॉलम है ना। थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा मैं, वो ऐसा एक्सपांड करके नहीं बताऊंगा, देखें ध्यान। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो देखो ये टू ये टू फोर और ट्वेल्व कितना हो जाएगा सिक्सटीन, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट 2 प्लस 2 4 प्लस 12 16। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 1 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 और माइनस 9 माइनस 12 ठीक है। हाँ अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 3 माइनस 4 प्लस 4 ये 3 ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसल तो 3 माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट और माइनस थ्री माइनस इलेवन। फिर फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन जीरो फोर माइनस वन जीरो फोर, फिर प्लस टू जीरो माइनस थ्री। समझ में आया क्या ए इंटू बी कैसे निकाला? A into B कैसे कैलकुलेट किया? Yes, yes sir. अब B into A की बात कर रहे हैं। तो B ये रहा, हाँ B का ऑर्डर देखो पहले। B into A की बात करें तो B का ऑर्डर है 3 by 2 और A का ऑर्डर है 3 by 3। तो फर्स्ट के कॉलम और सेकेंड की नंबर ऑफ रो सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? B into A does not exist. B into A exist नहीं। बात समझ में आई? A into B तो निकल गया, B into A define नहीं है, does not exist. क्यों? क्योंकि B के कॉलम और A की रो सेम नहीं, B के कॉलम और A के रो सेम नहीं है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं होता। Completed.
किसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस 12 होगा? ए वन वन क्यों होगा भैया माइनस 10? देखो जरा, टू टू और 12, ये टू, ये टू, फोर और ये 12, 12 और फोर कितना होता है 16। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके। एक बार माइनस छोड़ो, फिर माइनस 12, सर माइनस 12। अरे यार, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, यस सर, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 9, कर लो ऐड, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 9 कितना आएगा? माइनस 12, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कैसे करते हैं? रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करना, लेकिन चेक करना है पहले कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रो सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होगा। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम, फर्स्ट की रो और सेकंड का नए मैट्रिक्स का ऑर्डर, राइट। अब हमें लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैट्रिक्स ए ए आई जे एम बाय एन लिखा है, मैट्रिक्स बी बी जे के एन बाय पी लिखा, मैट्रिक्स सी सी आई के एम बाय पी, है ना, ऐसे मैट्रिक्स ले लिए तो मन से। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू बी जनरली ए और बी का मल्टीप्लीकेशन बी और ए के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल नहीं होता। अभी अपन तीन तीन एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल लिखे सब में देखा, ए पहले केस में ए बी अलग आया था, बी ए अलग, दूसरे केस में ए बी निकला था तो बी ए एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, तो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ तो इक्वल नहीं हो सकता। जनरली वर्ड क्यों लिख, पर किसी किसी केस में इक्वल हो सकता है। कैसे इक्वल हो सकता है? अगर मैं मैट्रिक्स बी को नल मैट्रिक्स ले लूं, तो ए का मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स में करूंगा तो नल मैट्रिक्स आएगा, और नल मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए में करूंगा तो भी नल मैट्रिक्स आएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल हो सकते हैं। जनरली अगर हम कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स ना लें और बी को, तो वो इक्वल नहीं होते, इसलिए लिखा हमने जनरली ए बी इक्वल नॉट बी ए, राइट। इसका मतलब ये भी हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जनरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऑबे नहीं करता, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऑबे नहीं करता। बात समझ में आ गई? यस सर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी पर एसोसिएटिविटी बेटा हमेशा होल्ड होती। जैसे अगर ए इंटू बी इंटू सी करो, पहले ए और बी का मल्टीप्लीकेशन किया होल्ड हुआ, और उसका सी से मल्टीप्लाई करो और ए का मल्टीप्लाई बी सी में करो, हमेशा इक्वल आए। कैसे भी मैट्रिक्स ले लो, अगर बस मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, ए का मल्टी ए बी का मल्टीप्लीकेशन सी में एग्जिस्ट होना चाहिए, बी सी का मल्टीप्लीकेशन ए में, तो ए बी इंटू बी और ए इंटू बी सी हमेशा इक्वल आए। क्या ये वाला तो मैं बहुत गंदा गाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ गाना गाते जाओ, मेरा नाम खराब मत कराओ। लाफ म्यूट कर दीजिए। ये वाला तो मैं बहुत गंदा गाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे घुमाऊंगा, तुम गाना। ठीक है बेटा, समझ में आया?
ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है, बस मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए. ये प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? थर्ड प्रॉपर्टी, अगर टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किया और नल मैट्रिक्स आ गया, अगर हमने टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किया और ये जीरो नहीं है, क्या है ये? नल मैट्रिक्स. टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किया और नल मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब होता है हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर कॉल्ड डिविजर्स ऑफ जीरो. ए और बी का मल्टीप्लीकेशन किया और ए और बी कैसे होना चाहिए? ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए. वेयर ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स. ए और बी का मल्टीप्लाई किया जिसमें ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ए और बी का मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स, देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिविजर ऑफ जीरो. ए एंड बी आर कॉल्ड Divisors of null matrix. And a divisors of zero भी होते. फिर से सुनो, अगर दो नॉन नल मैट्रिक्स हैं, जो नल मैट्रिक्स नहीं है, उनका मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो ए और बी को हम क्या बोलते हैं? डिविजर्स ऑफ जीरो. अगर ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आया तो इंप्लाई नॉट का क्या मतलब होगा? अगर a इंटू बी नल मैट्रिक्स आया आएगा तो b इंटू ए भी नल मैट्रिक्स आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना. फिर से सुन, ये इंप्लाई नॉट, इंप्लाई होता मतलब, इंप्लाई का मतलब होता कि अगर a इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो b इंटू ए भी नल मैट्रिक्स होगा, अगर इंप्लाई लगाओ. इंप्लाई नॉट का मतलब नॉट नेसेसरी. इंप्लाई नॉट का मतलब, इंप्लाई नॉट का मतलब नॉट नेसेसरी. अगर ए भी नल मैट्रिक्स है तो बी ए भी नल मैट्रिक्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं. ठीक है, अगर ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो तो बी इंटू ए नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं. ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर ए का मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स में करेंगे तो अब ये जरूर देखना पड़ेगा कि नल मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए. जैसे ए का ऑर्डर क्या है यहाँ? एम बाय एन, तो जो नल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी एन बाय समथिंग होना चाहिए. मतलब ये सेम होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होगा तो नल मैट्रिक्स ही आएगा. अगर ए और नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होगा तो नल मैट्रिक्स ही आएगा, या फिर नल मैट्रिक्स और ए का मल्टीप्लीकेशन अगर एग्जिस्ट होगा तो नल मैट्रिक्स ही आएगा. बस मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए तो नल मैट्रिक्स आए. मैट्रिक्स ए और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अब आई तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. ठीक है, अब जैसे ए है एम बाय एन और आई होगा एन बाय एन का, तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होगा और यही है, ये और ये सेम है तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट हो जाएगा. ए का आई में मल्टीप्लाई ए ही आए. n by m लेना पड़ेगा. जैसे अगर ये सेम नहीं लोगे, m by n लिया तो अब ये सेम नहीं है तो क्या बोल दोगे? डज नॉट एग्जिस्ट. अगर ये एग्जिस्ट हो जाता, i into a अगर एग्जिस्ट हो जाता तो आंसर ए ही आता. समझ में आ रही बेटा प्रॉपर्टी यहां तक? यस सर. हाँ, बेसिक्स प्रॉपर्टी समझ में आई है यहां तक? नोट करो, और भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी को. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, ए इंटू बी प्लस सी, क्या आ जाएगी? ए बी प्लस ए सी. एडिशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होता, माइनस होगा तो माइनस किया जाएगा. ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस. और इसी का एक और फॉर्म, ए प्लस माइनस बी इंटू सी, तो भी आ जाएगा ए सी प्लस माइनस बी सी. बाहर पीछे से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे से भी. इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी कम्यूटेटिव ऊपर वाली, तो डोंट ऑब ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नीचे वाली कौन सी है? एसोसिएटिव.
और ये जो लास्ट वाली लिखी सेवन, ये कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है, नोट करो. फर्स्ट वाली क्या है? फर्स्ट वाली कम्यूटेटिव, लेकिन कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं हो रही है. अगर इक्वल होता है यहाँ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखते. यस सर. हो एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं. इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए और बी दो मैट्रिसेस इस तरह से हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए आ गया, देन ए एंड बी कम्यूट ईचर, ए एंड बी कम्यूट ईचर, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्वे कर दी उन्हें. और सेकेंड, अगर ए बी की वैल्यू माइनस बी ए आ गई, देन वी से दैट ए एंड बी एंटी कम्यूट ईचर. ठीक है बेटा, अगर ए बी इक्वल टू बी ए आ जाता है किसी पर्टिकुलर केस में, तो ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, और अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी ए आ जाए तो ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर. हाँ, ये और ध्यान से देखना, किसी मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होगा तो नल मैट्रिक्स ही आएगा, और किसी मैट्रिक्स ए का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होगा तो ए ही आएगा, ए इंटू आई ए ही होगा अगर मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट, और मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं. ठीक है, हो गया यहां तक. एक क्वेश्चन लिखते हैं. If matrix A 1 minus 1, 2 minus 1, A1, B minus 1, are such that A plus B whole square equals to A square plus B square. Find value of A and B. है ना, मैट्रिक्स ए गिवन है 1 माइनस 1 2 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी ए 1 बी माइनस 1 आर सच दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सबसे पहले किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे.
यस सर, मेरे दिमाग में चल रहा था उम्मीद थी मुझे भाई। ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें ए और बी रियल नंबर्स के लिए है वो फॉर्मूला। अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर है देन ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मैट्राइसिस के लिए थोड़ी है वो फॉर्मूला। अच्छा सर ठीक है, तो अब कैसे करें हम, ए प्लस बी पहले निकाल लो और फिर उसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है ना, जैसे मैट्रिक्स ए का स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स ए इंटू ए राइट। तो ए प्लस बी पहले कैलकुलेट करो फिर उसका ए प्लस बी में ही इंटू करो और इधर ए स्क्वायर कैलकुलेट होगा ठीक है। या एक और काम कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब दो बार लिखो और दूसरे तरीके से। हाँ अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियस होती है इसलिए इस ए का इंटू ए प्लस बी में हो जाएगा और इस बी का इंटू भी ए प्लस बी में हो ठीक है। अब ए इंटू ए ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, समझ में आया बेटा, इस तरह से मल्टीप्लाई हो। तो आप देख रहे हो ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू मैट्रिक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नहीं आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी आई राइट। तो अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर उधर ले जाओ, ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर है, ये वाला ए स्क्वायर उधर गया, ये जीरो जीरो नल मैट्रिक्स आ गए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होकर जीरो नहीं आया, नल मैट्रिक्स आया, इधर भी नल मैट्रिक्स आया। हाँ बेटा इतना समझ में आया, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए मैंने निकाला। यस सर ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगा, ए की जगह ए लिखूंगा, ए इंटू बी करूंगा और बी इंटू ए माइनस माइनस टू ठीक है। यहां तक नोट कर लिया? नो नो नो, फटाफट करो तो मैं आगे बताऊं। ए इंटू बी, ए क्या है अपना वन माइनस वन टू माइनस, ए इंटू बी, बी क्या है ए वन बी माइनस इक्वल टू माइनस बी इंटू ए वन बी माइनस और ए वन माइनस वन टू माइनस ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई कर लो टू बाई टू ही बनेगा। हाँ फर्स्ट रो ए माइनस बी वन प्लस वन टू, टू ए माइनस बी टू ए माइनस टू प्लस वन थ्री ये माइनस ए प्लस टू ए प्लस टू फिर माइनस ए माइनस वन फिर बी माइनस टू और माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस वन। ये समझ में आया है तक? ये रफ कर दूं अब ये a माइनस बी टू, टू ए माइनस बी थ्री और इधर ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा सब हर एलिमेंट a प्लस वन माइनस बी प्लस टू और b माइनस, समझ में आया? अब कंपेयर कर दो दोनों को, ऑर्डर सेम है बीच में इक्वल लगा है, a माइनस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस टू, ए टू इक्वल टू ए प्लस वन सेकेंड एलिमेंट, थर्ड टू ए माइनस बी इक्वल टू माइनस बी प्लस टू एंड फोर्थ थ्री इक्वल टू बी माइनस राइट। बी की वैल्यू फोर आ जाएगी सर, देख लेता हूं मैं, नहीं एक की वैल्यू थ्री इक्वल टू बी माइनस है ना, तो बी की वैल्यू यहां से आई फोर और ए की वैल्यू यहां से आई वन। अब ये ए और बी की वैल्यू इनको भी सेटिस्फाई करना चाहिए तभी आंसर होगा वो। हाँ तो ए की वैल्यू वन, इसको सॉल्व कर ले तो टू ए माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, चेक कर लो ए टू
-4 -2 सही आ गई, बी से बी कैंसिल हो गया, ए वन बिल्कुल, ये बी से बिल्कुल फाइनल आंसर ए वन बी फोर। आंसर आ गया ए वन बी फोर। सब कुछ समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, रफ कर दूं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आए। सर रुक जा लो मिनट, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो नॉट पॉसिबल ए और बी की, क्योंकि चारों एलिमेंट रखने से इक्वल भी आना चाहिए ना। अगर मान लो ए की वैल्यू वन किसी एक इक्वेशन, चारों में से किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो हम बोल देते कि ए की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो। हो गया, हो गया सभी का। ओके, अब नेक्स्ट है कंसेप्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे ये हेडिंग समझ में आ गई कि सभी को हेडिंग का क्या मतलब है? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अभी अपन ने ये जो क्वेश्चन किया था उसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैलकुलेट हम चाहते तो कर सकते थे, क्यों? क्योंकि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स थे। लेकिन अगर जैसे मान लो ए रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो, मतलब टू रो और थ्री कॉलम, रो और कॉलम सेम नहीं है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? टू माइनस वन थ्री फाइव जीरो वन, टू माइनस वन थ्री फाइव जीरो। बेटा मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसमें दो रो है तीन कॉलम, सर वीडियो पॉज हो गई, सर सर वीडियो पॉज हो गई, सर वीडियो पॉज हो गई, सर 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 पॉज हो गई। नहीं कॉलम ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसकी पावर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। सर 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 पॉज हो गई थी, सर को समझ नहीं आया, सर वीडियो पॉज हो गई थी। हाँ यस, तो मत समझो सर, नीचे बता दो। अभी मैंने लिखा ही क्या है? मैट्रिक्स ए लिखा है ए आई जे एन बाय एन। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम। ये देखो फिर से ध्यान से, मैट्रिक्स है जिसमें टू रो और थ्री कॉलम है, मतलब रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो उसका स्क्वायर निकाला ए स्क्वायर। तो ये मैट्रिक्स है और फिर से मैट्रिक्स है, लेकिन इसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर ए रेक्टेंगल मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं। बात समझ में आई क्या बेटा? तो किसी भी मैट्रिक्स का हायर पावर एग्जिस्ट होने के लिए, ए क्यूब ए फोर ए फाइव ए स्क्वायर एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन है? वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो,
स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसमें जितनी रो हो उतने ही कॉलम। ठीक है बेटा, समझ में आया? किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब पावर फोर पावर फाइव एग्जिस्ट होने के लिए वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा तो उसका स्क्वायर एग्जिस्ट, स्क्वायर क्यूब पावर फोर एग्जिस्ट नहीं हो। तो मैंने लिखा एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर, तो ए की पावर एम। ए की पावर एम का मतलब क्या होगा? व्हाट इज ए टू द पावर एम? कुछ भी नहीं। और एम क्या है? पॉजिटिविटी। ए ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, कितने टाइम्स? एम टाइम्स। समझ में आया? तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर सब एग्जिस्ट। क्लियर? अब प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम, बेस सेम है पावर एड हो जाएगी। मतलब कहने का ए की पावर थ्री इंटू ए की पावर टू कैलकुलेट करोगे, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए क्यूब भी एग्जिस्ट होगा और ए स्क्वायर भी एग्जिस्ट होगा और आंसर ए की पावर फाइव हो जाएगा, एड हो जाएगा। आज समझ में आई ये पहला रिजल्ट? सेकेंड रिजल्ट, ए की पावर एम की पावर एन हो तो ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा। जैसे ए क्यूब की पावर फोर होता, एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए क्यूब एग्जिस्ट होगा, उसकी पावर फोर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ए की पावर फाइव। दोनों बातें समझ में आई क्या? यस सर, आ गई सर। आ गई अच्छे से। थर्ड भी है क्या? चार नहीं, बस दो ही। ठीक है सर। थर्ड हो भी सकती है लेकिन मुझे दो ही आती है। सिलेबस में भी दो ही होगी? हाँ, जितनी मुझे आती उतनी होंगी बेटा। ठीक है सर। है ना, अगर सिलेबस में ज्यादा होती तो मैंने सीख ली होती अब तक। यस सर। है ना, ठीक। लिखो दोनों। हो गया सर, समझ में आ गई बात? तो हम किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। इफ मैट्रिक्स सी 2 3 1 2, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स आई, आई तो मालूम है 2x2 ऑर्डर का 1 0 0 1, मैट्रिक्स ए एंड आई आर सच दैट ए इक्वल टू 2 1 1 2, मैट्रिक्स आई इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल लैम्डा आई प्लस म्यू आई, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स। आई लैम्डा ए प्लस म्यू आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड। अरे ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई। हाँ, ये प्रॉपर्टीज होगी कंप्लीट। प्रॉपर्टीज कंप्लीट है बेटा ये? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या की लिखा है कि अगर मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स आई ये है, इस तरह से ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई, तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू बता। तो सबसे पहला काम ए स्क्वायर निकाला है। ए स्क्वायर निकाले, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? 2 3 1 2 ए इंटू 2 3 1 2, ए स्क्वायर आ जाएगा। लिख देते क्या आएगा, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई, 2 2 4 + 3 7, 2 3 6 + 6 12, 2 + 2 4 3 + 4 7। ठीक है, ये समझ में आया? मल्टीप्लाई समझ में आया सबको? अब लैम्डा, अब लैम्डा ए प्लस म्यू आई जो राइट हैंड साइड है वो निकाल ले अपन। तो लैम्डा ए, ए की जगह 2 3 1 2 प्लस म्यू I की जगह 1 0 0 1, इसको कैलकुलेट कर लें तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा,
म्यू का भी इंटू कर ले, म्यू जीरो जीरो म्यू, दोनों को ऐड कर ले तो टू लैम्डा प्लस म्यू थ्री लैम्डा, लैम्डा टू लैम्डा प्लस म्यू। ये समझ में आया बेटा? यस सर, बहुत अच्छे से। अब ये जो दोनों को इक्वल है इसमें रख दो, है ना, अपने को इक्वेशन मालूम है ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई, है ना, ये गिवन है तो इसमें रख देते हैं। तो ए स्क्वायर क्या निकाला है ये ना, सेवन ट्वेल्व फोर सेवन, लैम्डा ए प्लस म्यू आई निकाल के बैठे हैं, लैम्डा ए प्लस म्यू आई टू लैम्डा प्लस म्यू थ्री लैम्डा, लैम्डा टू लैम्डा प्लस म्यू। हाँ बेटा, टू बाय टू ऑर्डर के बीच में इक्वल लगा है, तब इक्वल हो सकते हैं ये, जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, ठीक है ना। सो चल लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई सर, और म्यू की वैल्यू माइनस 1, लैम्डा 4 और म्यू माइनस 1, सही माइनस 1, यस सर, लैम्डा 4 म्यू माइनस 1। तो कंपेयर किया मैंने एंड 12 इक्वल टू 3 लैम्डा, फिर 4 इक्वल टू लैम्डा एंड 7 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू, है ना, ये तो सेम ही इक्वेशन है ये वाली और ये वाली। हाँ, इधर से लैम्डा 4 निकला तो वो भी लैम्डा 4 है, लैम्डा 4 रखा तो म्यू म्यू आ गया माइनस, तो आंसर आ गया लैम्डा 4 और म्यू इक्वल टू, यस सर, म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1। हाँ, लैम्डा 4 और म्यू इक्वल टू माइनस 1, समझ में आया, लैम्डा 4 और म्यू इक्वल्स टू माइनस, यस सर। हो गया सभी का? सर एक मिनट। हो गया कंप्लीट सर, भी कितनी और क्लास लगेगी? कब सर, कितनी और क्लास लगेगी? अभी आज? यस सर, सर मेरा फोन है कि 2% बचा लाइट। अच्छा बेटा, जितना टाइम दिया हुआ, टाइम कितना लिखा हुआ, 8:20 8:20 है ना? यस सर, आपने 5 मिनट पहले चालू करी थी। नहीं, कहाँ चालू की थी, 7 पे ही तो चालू की थी बेटा। और सर हमको ब्रेक कम मिला ना। अच्छा, वो तो सर ने लेट छोड़ी थी, मैंने थोड़ी लेट चालू की, तो सर से बात करना पड़ेगी ना बेटा उसके लिए। मैंने तो टाइम पे ही चालू करी थी, इसलिए टाइम पे ही खत्म करूंगा। तो कल भी जल्दी छोड़ दी थी, तो नीचे का मत मिटा। हाँ, नीचे का आराम से लिखो, मैं ऊपर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स ए इक्वल्स 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 और 2 1 1, तो हो गया है ना 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इस सच दैट ए स्क्वायर माइनस के ए, ए स्क्वायर माइनस के ए इक्वल टू 5i, ए स्क्वायर माइनस के ए इक्वल्स टू 5i, वेयर के इज अ स्केलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कर सकते हो? हाँ, अंडरस्टूड है बेटा। I किस ऑर्डर का है, ने भी लिखा है, ये A 3/3 का है, तो I भी किस ऑर्डर का है, 3/3 का है, ठीक है? Yes sir। चलो ट्राई करो।
किसी का आया? सही स्क्रीन चलो क्या हुआ बेटा? कहीं नहीं सर, कहीं नहीं सर नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। गुड। देखो ए स्क्वायर निकाल लो, सबसे पहला काम ए स्क्वायर निकालने के लिए 1 2 2 2 1 2 2 2 1। सर 4 है क्या आंसर? आंसर इज 4 बेटा। है ना, तो अब मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं क्या है। हाँ, 1 4 4 9, 2 2 4, फिर से देखें 2 2 4, कितना हो गया 8, 2 4 6, 2 8, 2 2 2 8, 4 1 4 9, 4 2 2 8, 2 2 2 8, 4 2 6 2 8, 4 4 1। समझ में आ गया? ये ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 5 आई है ना, ये है क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर निकाल लिया अपन ने, 9 8 8 8 9 8 8 8 9, है ना। थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, माइनस के का मल्टीप्लाई कर दो, ए कहाँ है यार, ए के का मल्टीप्लाई, के टू के टू के टू के टू के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू के टू के इक्वल टू 5 आई, 5 का मल्टीप्लाई कर दो आई में, 5 0 5 0 0 0। समझ में आया बेटा क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 माइनस के 8 माइनस 2 के अगेन 8 माइनस 2 के 8 माइनस 2 के 9 माइनस के 8 माइनस 2 के 8 माइनस 2 के 8 माइनस 2 के 9 माइनस के, कंपेयर कर दो, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, कंपेयर करो बेटा। तो देखो 9 माइनस के इक्वल टू 5 एंड 9 माइनस के इक्वल टू 5 एंड 8 माइनस 2 के इक्वल टू 0, बाकी सब यही की यही इक्वेशन आई। तो 9 माइनस 5 इक्वल टू k, k आ गया 4, और k यहाँ 4 रखा तो सेटिस्फाई कर गया, तो फाइनल आंसर k इक्वल टू 4। यस सर, मेरा यही आया। समझ में आया सबको? यस सर। सर मेरा अभी यही आ रहा था। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन दो ने आप। अगला क्वेश्चन नहीं, पहले आगे की चीज पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, पॉलिनोमियल आपको मालूम है क्या होता है?
अब हमें पढ़ना है बेटा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, और इसी को हम बोले हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। फंक्शन पढ़ा है आपने पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन किसका है बेटा, मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। अरे भाई ये कौन है, हाँ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एक ही बात। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल मालूम है क्या होता है बेटा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा होगा, एफ एक्स से डिनोट करते हैं एपी एक्स पी प्लस एपी माइनस वन एक्स टू द पावर पी माइनस वन, है ना, इस तरह से ए पी माइनस टू एक्स की पावर पी माइनस टू ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, तो क्या बचेगा ए वन एक्स प्लस ए जी, ये क्या है पॉलिनोमियल, ये एपी एपी माइनस वन एपी माइनस टू ए वन और ए जीरो, ये क्या है रियल नंबर्स है, एपी एपी माइनस वन एपी माइनस टू और ए वन ए जीरो, ये क्या है सारे रियल नंबर्स, ठीक है। अगर ये एपी इक्वल नॉट जीरो है, अगर एपी जीरो नहीं ये नॉन जीरो है एपी, देन एफ एक्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री पी ओवर एक्स। हाँ बेटा ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई, सर ने भी पढ़ाई होगी, बस ये फर्क होगा कि सर ने एन ले रखा होगा ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस, है ना, और कोई फर्क नहीं होगा, मैंने पी ले लिया और कोई इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, हाँ सर ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, और ये अगर ये वाला कोफिशियंट नॉन जीरो है then, then degree is called p. अगर ये जीरो होता तो डिग्री क्या हो जाती p माइनस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है n बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स, अब मुझे पॉलिनोमियल किसका पॉलिनोमियल निकालना है, मैट्रिसेस का, तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल है fx, उसमें x की जगह क्या रखना है a, x की जगह a रखा तो क्या आएगा बेटा ap a, x की जगह ap माइनस वन a की पावर p माइनस ap माइनस टू a की पावर p प्लस प्लस एंड सो ऑन, हाँ ए वन एक्स ए वन ए प्लस, अब बचा ए नॉट, ये तो रियल नंबर है, ये मैट्रिक्स है तो पूरा मैट्रिक्स आना चाहिए, तो क्या लिखोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। अगर किसी पॉलिनोमियल में मैट्रिक्स रख दोगे तो कांस्टेंट टर्म के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री टू का, एक एग्जाम्पल देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिग्री टू का पॉलिनोमियल है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें एफ ए रखूंगा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, सिक्स नहीं छोड़ सकते उसको, उसके साथ पूरा मैट्रिक्स इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ए एन बाय एन ऑर्डर का है तो आई भी एन बाय एन ऑर्डर, बात समझ में आई क्या सर, इसके फैक्टर थोड़ी ना होते, फैक्टर से क्या मतलब, हमें फैक्टर तो करना ही नहीं है ना, यस सर फैक्टर हो भी तो हमें नहीं करना, हमें तो एफ ए निकालना, तो एफ ए तो एक्स की जगह ये रख देंगे, तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जो सिक्स है तो सिक्स थोड़ी रहेगा भाई, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, ये भी मैट्रिक्स आएगा, तो दो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का सम ये मैट्रिक्स आ गया, उसमें सिक्स थोड़ी एड हो सकता, तो इसलिए हमें सिक्स के साथ कुछ नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ में आया क्या, यस सर ये समझ में आ गया सबको, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए एफ एक्स पॉलिनोमियल दिया उसमें एफ ए रखना, तो ये मन से लिखना पड़ेगा, आइए
गया सर, अभी नहीं हुआ सर, एक मिनट सर, सर हो गया भाई, अभी हो गया सर, इतना ही है, टाइम अप हो गया। हाँ, बस एक क्वेश्चन देना है, वो लिख सर होमवर्क में दे दीजिए। हाँ। फाइंड रियल नंबर्स C1 एंड C2, फाइंड रियल नंबर C1 एंड C2 सो दैट C2m square plus C1m plus I equal to null matrix where I तो जानते ही हो आप, 1 0 0 1, null matrix वो भी जानते ही हो, 0 0 0 0, m मुझे देना है, m मैं लिख रहा हूं, m equals to 1302। समझ गए क्वेश्चन? C1 और C2 की वैल्यू निकालना, C1 और C2 रियल नंबर्स है, कांस्टेंट है, C2 m स्क्वायर, ये रहा m, m का स्क्वायर निकालना या रखना, C1 m, m रखना, मल्टीप्लाई करना, i मालूम ही है 1001, सॉल्व करना और किसकी वैल्यू निकालना है, C1 एंड C2 है ना, कोई अभी निकालना चाहे तो निकाल सकता है। अरे होमवर्क है ना पर ठीक है, ट्राई करूं अगर कुछ कर सकता है तो। यस सर, ट्राई कर रहे हैं, फाइनल आंसर क्या आएगा वो बता दीजिए। सर BB1 हो गया, बिगनर बॉक्स 1 और बिगनर बॉक्स 2। अब अपनी क्लास है सैटरडे को होगी ना, अपनी क्लास है ना सैटरडे को क्लास होगी, तो इतना होमवर्क है, BB1 और BB बिगनर बॉक्स 1 भी जिनने नहीं किया वो करें अब, और बिगनर बॉक्स 2 भी करें। सर मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल तो है भाई, तुम देखो जो फंक्शन का मॉड्यूल है ना, एंथ्यूज मॉड्यूल 1, तो सर मेरे पास एंथ्यूज मॉड्यूल 1 उसी में मैट्रिसेस दिया हुआ है। यस सर, मॉड्यूल सबके पास नहीं है। यस सर, सबके पास नहीं है सर। अरे सर मॉड्यूल 1 नहीं है सबके पास। अरे सर, सर लोग, सर हम लोग हमारे पास है, बाकी पर सबके पास नहीं है। हाँ ठीक है, तो मैं शेयर कर दूंगा। यस सर, एंथ्यूज मॉड्यूल 1 फिर से शेयर कर दूंगा अभी। एंथ्यूज मॉड्यूल 1 फिर से शेयर कर दूंगा, उसमें मैट्राइसिस भी है, फंक्शन भी है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, तीन चैप्टर है। थैंक यू सर। तो किसी ने C1 C2 की वैल्यू निकाल पाई? आस्था आपने निकाली बेटा, कि अभी नोटिंग किया है केवल?